Can you explain this? Yes, ma'am. Now is the external internal part of human blood. Please explain deoxygenated blood, oxygenated blood, pump में से कैसे up and down. Can you explain this? Please explain your creativity. Can you explain this? Yes, ये fertilization को flowering plant है. इसके अंदर इसमें anther को बड़ा करके फिर इसके अंदर pollen grains निकलने दिखाए थे. Pollen grain कैसे एक ovary के अंदर अपनी pollen tube डाल के और कैसे किस तरह fertilization होता है ये दिखा रहे थे. पूरा cycle दिखा रहे थे fertilization flowering plant. What do you want to show from this? Ma'am, this is an amniocentesis process. This is an amniocentesis process in which this is a mother yolk and embryo. इसमें sex determination होता है. Sex determination से अगर ये पता चल जाता है अगर girl होती है तो कुछ लोग abortion करा देते हैं. वो नहीं कराना चाहिए. So save girls. Please explain this. ये क्या है? हमारा hibiscus का एक plant है. ऑफ नोडल डायग्राम है. नोडल डायग्राम क्या होता है कि हमें उसे पता चलता है इसकी अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पेटल्स, सेपल्स, उनकी अरेंजमेंट हमें पता चलती है नोडल डायग्राम से. जैसे कि इसमें पेटल और सेपल है, वहाँ पे पांच पेटल और पांच सेपल, मतलब कि इसमें वो पांच चीजें लगी हुई है, तो वहाँ पे पांच ही इसके पेटल्स होते हैं, पांच सेपल्स होते हैं. ये इसके सेपल्स है, ये इसके पेटल्स है, ये इसका स्टेमेन इसके अंदर, और ये इसका पिस्टल, उसका फॉर्मूला. प्लीज एक्सप्लेन दिस. पार्ट्स ऑफ फ्लावर है. फ्लावर के मिले चार पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. सेपल और पेटल इसमें असेसरी ऑर्गन्स होते हैं, और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं वो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं, और जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल होता है, और जो एंड्रोशियम होता है वो मेल पार्ट होता है. कैन यू एक्सप्लेन दिस? प्लांट सेल यूनिट है, कई सारी सेल से मिलकर पूरा प्लांट मिलता है. प्लांट के ऑर्गेनिज्म है, प्रोक्सीजोम जैसे गोल्गी वेसिकल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है. गोल्गी वेसिकल को इनके आउटसाइड ऑर्गन में हेल्प करती है. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर एंड आरईआर. स्मूथ ईआर फैट फैट की बनी हुई होती है, और आरईआर डिस्टिंक्ट कलर. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा, वैक्यूम, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, साइटोस्केलेटन एंड सेल मेम्ब्रेन. दिस आर द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्लांट. व्हाट इज दिस? पोलिनेशन शो किया हुआ जो कि जो मतलब किसके लिए करते होते हैं कि प्लांट्स के अंदर जैसे कि मेल सिग्मा के ऊपर आता होता है, फीमेल सिग्मा के ऊपर जो आता है, तो बर्ड्स के थ्रू जो पोलिनेशन हो रखी है वो शो की हुई है. जैसे पोलिनेशन अलग अलग टाइप्स की होती है, और जो ये स्पेशली शो की हुई जो ओरियन का फिली होती है जो बर्ड पोलिनेशन करता होता है. प्लीज एक्सप्लेन दिस. एनाट्रोपस ओवल मैम, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है. ऑलमोस्ट सभी एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है. टिपिकल टाइप के एंजियोस्पर्म वो ओव्यूल का पार्ट होता है. ये इसके अंदर ना जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है न्यूक्लियस में, वो इसके पैरलर होता है. ये फ्यूनिकुलस है, इसके पैरलर में होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस न्यूक्लियस का. और जो एम्ब्रियो सैक होता है, अलग अलग ओव्यूल होते हैं उसमें, मतलब शेप अलग अलग होती है इसकी एम्ब्रियो सैक की, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेट होता है एम्ब्रियो सैक. और इसके अंदर जो माइक्रोपाइल एंड है वो ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चिलाजा एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये फ्यूनिक्लियस के बिल्कुल पास में आ जाता है इसमें एनाट्रोपस ओवल.